आज दिल्ली गवर्नमेंट इंडिया के सारे स्टेट्स गवर्नमेंट के मुकाबले दिल्ली के लोगों को सबसे ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें इंडिया में दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन कहता है कि लॉन्ग टर्म में सब्सिडी प्रोवाइड करने की वजह से दिल्ली को एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ओपिनियन कहता है ये तो जनता का ही पैसा है और जनता में ही वापस जा रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स को छोड़ के हम कुछ फैक्ट्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे इसका लॉन्ग टर्म में दिल्ली पे क्या इफेक्ट होगा और क्या ये फ्रीबीज प्रोवाइड करना गलत है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है। केंद्र की कोई भी योजना दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने लागू होने ही नहीं दिया। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान केजरीवाल ऐसे हैं कि जो नई नई चीजें करते रहते हैं, केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत की। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को इनको 4,000 यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं, तो इनको सबको तकलीफ होती है, क्यों? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के लोगों को करीब 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला सेक्टर आता है वुमेन्स के लिए, जहां पे ये वुमेन्स को फ्री बस राइड देते हैं, जिसमें टोटल 486 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। दूसरा और जो सबसे पॉपुलर इनका स्कीम है वो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 0 से 200 यूनिट तक कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज नहीं लगेगा, और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं 400 यूनिट तक, और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट टोटल 3,090 करोड़ रुपए खर्च करती है। तीसरी जो सब्सिडी स्कीम है उसमें दिल्ली के हर फैमिलीज को करीब 20,000 लीटर तक महीने में फ्री वाटर की सप्लाई करी जाती है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट करीब 602 करोड़ रुपए खर्च करती है। और चौथी स्कीम हेल्थ सेक्टर में है, जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट मोहल्ला क्लिनिक्स के थ्रू फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट प्रोवाइड कराती है दिल्ली के लोगों के लिए, और ये करीब 519 मोहल्ला क्लिनिक के थ्रू पूरे दिल्ली में प्रोवाइड किया जाता है। तो इन सारी सब्सिडीज को मिला के दिल्ली गवर्नमेंट कुल 4,943 करोड़ रुपए खर्च करती है फ्री सब्सिडी के नाम पे। तो यहाँ पे अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट का बजटेड रेवेन्यू देखें तो वो करीब 53,070 करोड़ था। इसमें जो टैक्सेस से पैसे दिल्ली गवर्नमेंट को आए थे, नॉन टैक्स से आए थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट आए थे, ये सब कुछ मिला के बनता है। यहाँ पे अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस देखें तो वो 69,000 करोड़ था। तो अब ये जो इनकम और एक्सपेंस है ये थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीव के थ्रू लोन लिया था करीब 9,285 करोड़ रुपए का। अब इस बजट का कितना रेवेन्यू दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ शेयर करती है इसको समझते हैं। अगर एजुकेशन में देखें तो दिल्ली करीब 25.2% अपना रेवेन्यू खर्च करती है, हेल्थ पे 15.9%, वाटर सप्लाई पे 2.6%, एनर्जी पे 5.2%। तो ये टोटल खर्चा होता है। अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया के बाकी सारे स्टेट से, तो एजुकेशन पे दिल्ली गवर्नमेंट जहां 25.2% खर्च कर रही है, वहां हम सारे स्टेट्स का एवरेज देखें तो वो सिर्फ 15.8% है। इसी तरह अगर हम हेल्थ में भी देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट यहां पे 15.9% खर्च कर रही है, लेकिन अगर हम सारे स्टेट्स का एवरेज देखें तो सिर्फ वो 5.5% है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि दिल्ली यहां पे अपने एजुकेशन और हेल्थ पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रही है, देश के सारे स्टेट्स के मुकाबले 10% से ज्यादा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी सारी गवर्नमेंट्स एजुकेशन के ऊपर बहुत कम खर्च कर रही हैं, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में जॉब्स की बहुत ज्यादा कमी है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे कि अगर किसी ने अपने करियर में ब्रेक ले लिया है अपने जॉब के बीच में, तो उसको नेक्स्ट टाइम जब वो रिटर्न जाता है तो उसे जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप यहाँ पे हर्षित अग्रवाल का एग्जांपल देख सकते हैं। हर्षित अग्रवाल कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट थे और उसके बाद उन्होंने जॉब किया, कोविड के टाइम में उन्होंने जॉब से ब्रेक लिया, फिर जब वो रिटर्न जॉब के लिए जाते हैं तो उनको कोई जॉब नहीं मिल रही थी, और यहीं पे उनको रिलेवल का पता चलता है, और रिलेवल के प्लेटफॉर्म के थ्रू जब ये एग्जाम देते हैं तब इनको यहाँ पे बैकएंड डेवलपर की जॉब मिलती है ब्लू स्टैक्स में, और जिसमें इनका सैलरी है 273% होता है। आज रिलेवल आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि अगर आपने करियर में ब्रेक भी लिया है तो आप अपने स्किल के बेसिस पे आप फिर से जॉब ले सकते हैं, आपको बस रिलेवल का एक टेस्ट देना है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इनके मंथली टेस्ट में टॉप 3 रैंक्स में है तो आपको बहुत सारे गुडीज मिलेंगे, जिसमें कि आपको मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच तक मिल सकती है। रिलेवल ने अभी तक करीब वर्थ 60 करोड़ तक के जॉब्स दिए हैं, और लास्ट मंथ ही उन्होंने 300 से ज्यादा जॉब ऑफर लेटर्स स्टूडेंट्स को दिए हैं, जो कि इंडिया के सारे हाई रेंज प्लेटफॉर्म्स में से सबसे ज्यादा है। रिलेवल के टेस्ट के थ्रू आपको 19 कैटेगरीज में सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, एचआर और बहुत सारे तरह की जॉब मिल सकती है। और यहाँ पे इन्होंने कंटेंट राइटिंग के लिए भी इन्होंने जॉब्स ऑफर करना शुरू कर दिया अपने ही इसी टेस्ट के थ्रू।
तो दोस्तों हर्षित के जैसे आप भी अगर आपने करियर में ब्रेक लिया है तो भी आप जॉब पा सकते हैं। अगर आपको नया शुरुआत करना है तो भी आप रीलेवल के थ्रू आप अपना स्किल टेस्ट दीजिए और आपको उसके थ्रू जॉब मिल सकती है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। ये कंप्लीटली टेस्ट फ्री है। तो दोस्तों आइए वीडियो पे अब हम वापस आते हैं। अभी यहाँ पे हाल ही में CAG का रिपोर्ट आया था इनके सब्सिडीज और इनके सारे इनकम एक्सपेंसेस के ऊपर। तो सब्सिडीज अगर देखेंगे तो 2015-16 में ये करीब 1867.61 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे और 2019-20 में ये करीब 3592 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे। मतलब इनके टोटल सब्सिडी में जो इन्होंने खर्च किया है वो 92% तक करीब बढ़ गया है सब्सिडी का इनका। लेकिन दोस्तों यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी लोन्स लिए और जो भी उसके अलावा भी ये टोटल सरप्लस में चल रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का अगर हम सरप्लस रेवेन्यू देखें तो 2019-20 का वो 7499 करोड़ था। ये दिल्ली के लिए सबसे राहत की बात है कि ये सब्सिडीज भी दे रहे हैं तो भी इनके इनकम ज़्यादा हैं। अब हम सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर समझते हैं जिससे हमें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। डेट टू GSDP रेशियो, ये जितना कम होगा वो गवर्नमेंट उतने ही कम कर्ज और लाइबिलिटीज़ में होगी। तो दिल्ली का साल 2011-12 में 8.61% था डेट टू GSDP रेशियो, जो कि घट के 5.18% हो गया। मतलब दिल्ली अपनी लाइबिलिटीज कम करती जा रही है, दिल्ली गवर्नमेंट प्रॉफिटेबल है। और यहाँ पे सबसे शॉकिंग चीज अब आप देखेंगे कि इंडिया के बाकी स्टेट्स का क्या हाल है। तो सबसे ज्यादा कर्ज और लाइबिलिटीज में पंजाब है जिसका डेट टू GSDP रेशियो करीब 53.3% है। वही वेस्ट बंगाल का 38.8% है, राजस्थान का 39.8% है और वही केरला का 38.3% है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिल्ली का डेट टू GSDP रेशियो 10% से बहुत कम है और बाकी जो स्टेट्स हैं उनका 30% से ज्यादा है, 40% के आसपास है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे दिल्ली का इतना कम क्यों डेट टू GSDP रेशियो आता है। इसके पीछे दो बड़े लॉजिक्स और रीजन है जो कि CAG के रिपोर्ट में आया है। तो यहाँ पे पहला रीजन है कि दिल्ली एक रिच स्टेट है। यहाँ पे जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया के बाकी स्टेट्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। अगर हम देखें कि दिल्ली का पर कैपिटा इनकम 3,44,136 रुपए है, वहीं अगर हम पूरे देश का एवरेज देखें तो 1,28,829 रुपए। यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा दिल्ली वालों के पास बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो मतलब जितनी ज्यादा इनकम उतने ज्यादा टैक्सेस और उतने ज्यादा स्टेट का रेवेन्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि दिल्ली तीसरी सबसे अमीर स्टेट है इंडिया में गोवा और सिक्किम के बाद। तो यहाँ दिल्ली जैसे स्टेट्स के पास इनकम बहुत ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिल्ली नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है, सारी खरीद बिक्री दिल्ली के ही आसपास होती है जिस वजह से उनका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन समझने की कोशिश करें जिसके बारे में कोई नहीं बात करता है कि जो दिल्ली के जो पेंशन होते हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं देती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है क्योंकि ये एक यूनियन टेरिटरी है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए, पंजाब देखिए, तो वहाँ पे जितने पेंशन होते हैं वो वहीं की स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन दिल्ली का जो पेंशन होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दूसरी चीज जो है दिल्ली के जो पुलिस का जो पूरा खर्चा होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। तो दिल्ली को ये इन सब जगहों पे खर्च नहीं करना होता है जिस वजह से वो रेवेन्यू सरप्लस में रहते हैं। अगर दिल्ली को भी इन जगह पे अपने एक्सपेंसेस करने होते तो दिल्ली का भी डेट टू GSDP रेशियो बहुत ज्यादा होता, जिस वजह से दिल्ली यहाँ पे बहुत इजीली अपने लोगों को सब्सिडी दे सकती है। लेकिन ये चीजें पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन समझने की कोशिश करें, दिल्ली जैसा स्टेट जो कि बहुत छोटा है और जहाँ पे रिच लोग बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा आते हैं, वहाँ पे सब्सिडी देना बहुत ईजी है। लेकिन यही सब्सिडी अगर दिल्ली गवर्नमेंट जाके पंजाब में देने लगे आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पंजाब बहुत बड़े कर्ज में है। अगर हम राजस्थान में जाके ये सब्सिडी देने लगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, बहुत जल्दी ये स्टेट्स बैंकक्रप्ट हो सकते हैं। वेस्ट बंगाल में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू दिल्ली के सब्सिडीज के ऊपर जो कि कंप्लीटली फैक्ट्स पे बेस्ड था, CAG की रिपोर्ट्स और जितनी भी प्रायर रिपोर्ट्स आई हैं उनके बेसिस पे। यहाँ पे दिल्ली अपने लोगों को बहुत इजीली सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है लेकिन बाकी स्टेट्स नहीं कर सकते हैं ओवरऑल अगर हम फाइनली बोले तो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।